मालिक की प्यारे सत्संग जीओ, हर इंसान सुखी रह सकता है अगर उसके अंदर आत्मविश्वास, विल पावर हो। आत्मविश्वास किसी मेडिकल स्टोर से नहीं मिलता। आत्मविश्वास एलोपैथी, आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी किसी के पास आत्मबल का टॉनिक नहीं है। आत्मबल को अगर हासिल करना है तो वो आपके अंदर है, उसको जगाना होगा। जैसे सरसों तेलों के दानों में तेल है, उसको लेने के लिए एक मेथड है। जैसे धरती में पानी है, उसके लिए भी एक मेथड है। तो वो मेथड, वो युक्ति इस्तेमाल में लाते हैं तो धरती से पानी बाहर आ जाता है, सरसों तेलों के दानों से तेल बाहर आ जाता है। उसी तरह विल पावर, आत्मविश्वास आपके अंदर है। वो रहस्य जानने के लिए, उस विल पावर को बढ़ाने के लिए एक मेथड है, एक युक्ति है, जिसको गुरु मंत्र, कलमा या मेथड ऑफ मेडिटेशन कहते हैं। मेथड ऑफ मेडिटेशन लेके आप अभ्यास करें, आत्मबल बढ़ेगा। जिससे हर तरह की चिंता, टेंशन, परेशानी, दुख, बीमारियां हटती जाएंगी, आप टेंशन फ्री हो जाएंगे, आपके आत्मा में असीम शांति आएगी। और जब अंदर कमी हो, अंदर दुख दर्द हो, चाहे मौसम बहार हो, तो भी पतझड़ नजर आता है। सबसे जरूरी है अपने अंदर की सफाई करना। बाहर आप सफाई करते हैं, नहाते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, पर दिलो दिमाग की सफाई किसी दवा से, टॉनिक से नहीं, बल्कि मेथड ऑफ मेडिटेशन से की जा सकती है। अपने अंदर विचारों का शुद्धिकरण कीजिए, सुमरण कीजिए। 24 घंटे में से आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम मालिक की याद में लगाइए। तेईस घंटे फिर भी आपके पास दुनियावी काम धंधे के लिए हैं,
पर वो आधा घंटा सुबह शाम लगाया गया, पूरे दिन के लिए खुशियां लेके आएगा। आप टेंशन फ्री रहेंगे, बिल्कुल शांत रहेंगे, सहन शक्ति बढ़ेगी, बात बात पे तुनक मिजाज यानी गुस्सा नहीं आएगा। जब भी आदमी को गुस्सा आता है वो अपना नाश ज्यादा करता है। दूसरों को बुरा बोलता है, दुश्मन बना लेता है। पर गुस्सा सबसे बड़ा दुश्मन खुद का होता है। ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, पूरे शरीर में बेचैनी का आलम हो जाता है। अपनी मां, बाप, बहन, भाई, दोस्त, जिसको भी बुरा बोला पश्चाताप आता है बाद में, मैंने ऐसा क्यों किया, दुख होता है जिसका इलाज नहीं मिलता। तो इसलिए अपने गुस्से को काबू में रखो। पर कैसे? गुस्सा तो काबू में आता ही नहीं, आ सकता है विल पावर बढ़ने से, आत्मविश्वास आने से। आप सुबह शाम आधा घंटा नहीं दे सकते तो चलते फिरते सुमन कीजिए। आप कहीं घूम रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं, जीभा से, ख्यालों से मालिक का नाम जपें। ज्यों ज्यों गुरुमंत्र मेथड ऑफ मेडिटेशन करते जाएंगे त्यों त्यों आपकी सहन शक्ति बढ़ती जाएगी और आप अपने आप पे काबू पाना सीख लेंगे। जो अपने आप पे काबू पा लेते हैं वो दुनिया के सबसे सुखी इंसान होते हैं। आदमी अपनी वजह से ही परेशान होता है। आदमी का जो फोरहेड है, चेहरा है, माथा है, ये साइन बोर्ड है। दुकानों में जाएं, मॉल में जाएं, दुकान के बाहर साइन बोर्ड होता है, इसमें ये सामान है। उसी तरह हर इंसान का माथा साइन बोर्ड होता है। संत पीर फकीर पढ़ते हैं कि इस दुकान के अंदर क्या सामान है, कि आप किस सोचों के स्वामी हैं। आप अति कामी हैं, क्रोधी हैं, लोभी लालची हैं, आप दिखते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं,
ये वाली चीज मोस्टली होती है, ज्यादातर होती है, जो दिखता है वो आप करते नहीं और जो करते हैं वो दिखते नहीं। छुपाता है हर इंसान, कोई कोई होगा जो ऐसा नहीं है। बात सच्ची है, कड़वी भी लगेंगी। आप जब दिखते हैं तो सबसे अच्छे बनने की कोशिश करते हैं, जबकि आप वैसे होते नहीं। जैसे हो वैसे दिखो तो हमाम में सब लोग नंगे होते हैं, स्नान घर में, हमाम का मतलब नहाने वाली जगह। कपड़े पाके तो शायद ही कोई नहाता हो, यहां वो भी मिल जाएंगे, लेकिन आमतौर पे नंगे होते हैं। सो मतलब जैसे हो वैसे दिखो तो आप नेचुरली अच्छे कर्म करोगे। कोई अपने आप को बुरा नहीं दिखाना चाहता। क्या आप दिखाएंगे कि आप कामी क्रोधी हैं? हर टाइम ऐसा व्यवहार करेंगे तो आपको मुंह कौन लगाएगा? इसलिए आप दिखने में बिल्कुल शांत नजर आते हैं कि आप जैसा कोई दूसरा है ही नहीं, जबकि हकीकत इसके उल्ट होती है। तो कहने का मतलब आप में इतनी हिम्मत ही नहीं है कि आप जो हैं वो दिख सके। तो हिम्मत जुटाइए, सुमरण कीजिए, आप वास्तव में अच्छे बन जाएंगे। और जो अच्छे होते हैं उनको कुछ दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अच्छे होते हैं, दिखते भी अच्छे हैं। इसलिए अपनी खुदी को, अपने अहंकार को मिटाओ। हर टाइम खुदी, हर टाइम ईगो में डूबे रहते हैं। मैं कुछ हूं, मान रखो गुमान नहीं, कॉन्फिडेंस रखो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं। तो ऐसा अगर आप कर पाओ दुनिया के सबसे सुखी हो जाओगे। गम दुख चिंता यानी टेंशन फ्री हो जाओगे और परमानंद की प्राप्ति आपको जरूर होगी।